तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशान क्लासेस। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर का क्विज कर रहे थे और उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी थे। दोस्तों, इस बार हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, मतलब हम लोग उसमें ऑपरेशंस देखेंगे उसके। वो ऑपरेशन नहीं जो कि डॉक्टर करते हैं, वो ऑपरेशन जो कि हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, मतलब प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब। हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो देखते हैं रैशनल नंबर्स में एडिशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 2/3, मान लीजिए लेता हूँ, और एक और नंबर लेता हूँ 2/4 ले लेता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मेरे को इसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग उसके डिनोमिनेटर्स जो है ना, जैसे 3 और 4 है ना, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम के बारे में और जानना है तो मैंने आपके लिए पहले से ही एक वीडियो बना के रखा है एलसीएम के बारे में, ईशान क्लासेस के चैनल में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 12। तो आप जो 12 है ना, तो डिनोमिनेटर की जगह मैंने फिर लिख दूंगा 12। नीचे आ गया 12, अब क्या करना है, 2 ऊपर के रखना है, दोनों के 2 को, 2+2 ये जो ऊपर का है, फिर हो जाएगा 4। इसका आंसर होगा 4/12, यानी 2/3 + 2/4 का आंसर होगा 4/12। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स ना दो चीज़ में डिपेंड होते हैं। एक चीज़ तो पहली बात, अगर कोई दो रैशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, और दूसरा डिनोमिनेटर अलग हो। जैसे इसमें हम लोगों ने लिखा इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो इस बेसिस में, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसा नंबर लेता हूँ जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, मान लीजिए मैं लेता हूँ 1/7 + 3/7, ठीक है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो एडिशन में, तो उसमें क्या कीजिए, 2/7 कर दीजिए और 3, सॉरी फिर 3+1 बचा, नीचे केवल 7 रहेगा, ठीक है, ये 7 ऐड नहीं होगा, 3+1 कर दीजिए, हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 4/7। ये था अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब, और डिनोमिनेटर अलग है तो उसके लिए जो है उसका एलसीएम निकाल देंगे दोनों डिनोमिनेटर्स का, फिर जो एलसीएम आएगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और जो ऊपर का आएगा, जो ऊपर में जो न्यूमरेटर है हम लोग उसे ऐड करके उसका जो आएगा उसे लिख देंगे सिंपली, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था इस तरीके से। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में अब उसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इस प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये है कि देखिए, मान लीजिए मैं कोई रैशनल नंबर लेता हूँ, मान लीजिए एक्स है ना, एक्स एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए वाई भी एक रैशनल नंबर है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। मान लीजिए इसका आंसर आया 5, मान लीजिए, ठीक है, 5/2 आया मान लीजिए, ठीक है। और तो ना अगर वाई प्लस एक्स करेंगे ना, फिर भी 5/2 ही आएगा, यानी अगर हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ एडेंट्स चेंज कर देंगे ना, फिर भी आंसर वही आएगा। इसका मतलब x + y = y + x, ठीक है, यानी अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एडेंट्स अगर चेंज कर भी दें, फिर भी जो आंसर है वो एक ही आता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये है कि अगर ग्रुपिंग, अगर उनका
मतलब हम अगर हम लोग कोई रेशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए एक्स एक रेशनल नंबर है, जेड भी एक रेशनल नंबर है और वाई भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है ना, इसका आंसर आया मान लीजिए 3, ठीक है। मान लीजिए इसका आंसर आया 3, तो अगर मैं इसका जो ग्रुपिंग एडेंट्स मतलब उसका जो चेंज कर दूँ, जैसे मान लीजिए इधर x प्लस जेड है ना, फिर प्लस y है, तो मैं मान लीजिए मैं ऐसा कर दूँ कि x प्लस y, फिर जो y को इधर आ देता हूँ और z को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, प्लस z इज इक्वल टू 3। यानी अगर हम लोग ऐसे भी चेंज करें, ऐसे भी अगर हम लोग चेंज करें, फिर भी जो है 3 ही आएगा आंसर। मान लीजिए इसके जगह मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है, इसके जगह मैं ले लेता हूँ सॉरी, इसके जगह मैं ले लेता हूँ 1 एक्स के जगह, ठीक है, इसके जगह मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, और इसके जगह मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। तो किसी को भी चेंज करे आंसर हमेशा 3 ही आएगा ना, ये बात है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3 में बस यही है कि 0 को कोई भी रेशनल नंबर से ऐड करो। मान लीजिए मैं रेशनल नंबर लेता हूँ 4/8, ठीक है, मान लीजिए मैं ये रेशनल नंबर लेता हूँ, तो अगर किसी भी रेशनल नंबर को आप 0 से वो करोगे ना, प्लस ऐड करोगे ना, तो उसका आंसर ना वही आएगा, 4/8 ही आएगा, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी भी नंबर के साथ कुछ नहीं ऐड करोगे तो जो नंबर था वही रहेगा, है ना। इसलिए इसमें इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में यह है कि किसी भी रेशनल नंबर को 0 से ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा, वही रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि किसी भी नंबर रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए एक्स, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है एक्स, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर जैसे एक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए ये अभी पॉजिटिव एक्स है ना, तो मान लीजिए मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ नेगेटिव एक्स से, तो उसका आंसर हमेशा आता है 0। कैसे, चलिए देखते हैं, सॉरी, ठीक है, कैसे देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2/ मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/4, ठीक है, प्लस माइनस 1/4, ठीक है, तो इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ना, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इधर हो गया 1/4, फिर इधर हो गया 1/4, क्या बचा, 1/4 माइनस 1/4, इसका आंसर आया 0। सेम मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ किसी भी रैशनल नंबर को अगर उसके नेगेटिव रैशनल नंबर से वो करे, या फिर किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर को पॉजिटिव रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, अगर रैशनल नंबर सेम हुआ तब, है ना। इधर एक्स हुआ, इधर एक्स हुआ तभी, मान लीजिए मैं अगर इधर ले लेता हूँ वाई, ठीक है, एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, मुझे पता, ठीक है, तो इसमें चेंज हो सकता है, इसमें 0 नहीं आ सकता, ज़रूरी नहीं है कि 0 आए, क्योंकि अगर हम लोग इसको देखिए तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा फिर, ठीक है, तो अलग आंसर आ सकता है। मान लीजिए मैं इसे ले लेता हूँ, एक्स को 5 ले सकता हूँ तो, और वाई को मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है, और मैं इसको फिर करूँगा माइनस आ जाएगा, 5-2 इज इक्वल टू 3, तो सेम रैशनल नंबर हो तभी 0 आएगा सेम, ठीक है। तो ये भी क्लियर है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर है। तो दोस्तों अभी हमने अभी 4 प्रॉपर्टीज पढ़े एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के, है ना, 4 प्रॉपर्टीज पढ़े, 4, ठीक है, 4। तो अब ना
हम चार प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और क्या होता है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मैं क्वेश्चंस दूंगा, कुछ आपको करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे उसे। तो क्वेश्चन है 2 by -4, ठीक है, प्लस नहीं 2 by -2/4, ठीक है, प्लस 3/6, ठीक है, 8/6 -8/6 प्लस -3/9, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अपने घर में प्रैक्टिस करना है और फिर आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स और उसका प्रॉपर्टीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।